नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एवरेज स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैथ की वीडियो नहीं है, तो वीडियो लेके आ रहे हैं हम प्रस्तावना कौशल की। कारण क्या है कि कौशल तो 6 होते हैं, लेकिन प्रस्तावना कौशल सबसे अधिक टफ माना जाता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में नहीं आता कि प्रश्न बनाए कैसे, यानी कि पूर्व ज्ञान संबंधित प्रश्न कैसे बनाया जाए। बाकी टॉपिक है कि जैसे श्यामपट्ट कौशल है, श्यामपट्ट कौशल में क्या करना होता है, परिभाषा लिखनी होती है, परिभाषा हर कोई लिख देता है, बुक से देख के बोर्ड पे प्रेजेंट करनी है। इसके बाद प्रश्न प्रवाह कौशल है, उसी से प्रश्न पूछने हैं। पुनर्बलन कौशल है, उन्हीं प्रश्नों को आप पूछिए, बीच में बच्चों को उत्साहवर्धन कर दीजिए, ये पुनर्बलन कौशल है। तो क्या ये कुछ कौशल ऐसे हैं जो हर कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन प्रस्तावना कौशल थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि दिमाग नहीं चलता कि प्रश्न किस तरह से बनाया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल में जाते क्या करना होता है, ब्लैक बोर्ड मेंटेन करना होता है, अपना बोर्ड मेंटेन करना होता है। तो बोर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, ये मैंने आपको काफी बार सिखा दिया। सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, दिनांक लिख दी 27 सितंबर 2018। इसके नीचे लिख दिया विषय। विषय आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, गणित। कौशल लिख दिया, कौशल के नीचे अपने कौन सा कर रहे हैं, प्रस्तावना कौशल। ये हो गया अपना प्रस्तावना कौशल। इस साइड क्या आएगा, कक्षा आएगा। कक्षा मान लीजिए आप एट्थ को पढ़ा रहे हो, एट्थ लिख दिया। इसके बाद आएगा कालांश, कालांश सेकंड। मैंने कहा कालांश रोमन के अंदर लिखोगे, आप एनडी एसटी और टीएच का उपयोग नहीं करोगे। कालांश के नीचे आएगा समयावधि, समयावधि क्या होती है किसी भी कौशल की, 5 से 7 मिनट। ये हो गया। इसके नीचे क्या आता है, प्रकरण, कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। ये अपने को नहीं लिखना होता है, ये अपने को कब लिखना होता है, जब अपने अपना कौशल कंप्लीट हो जाता है, जब अपना टॉपिक अपने बच्चों से पूछ लेते हैं, तब क्या लिखते हैं, हमने टॉपिक लिखते हैं। ठीक है, आज टॉपिक कौन सा है इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप बच्चों से पुट कीजिए, जो टॉपिक करा रहा हूं बोर्ड पे नहीं लिखना, आपको बच्चों से पूछना है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए और आप इसे नोट कर सको, मैं भी सुनने के अंदर थोड़ी समस्या आ सकती है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, हम किस महाद्वीप पर रहते हैं। एट क्लास का बच्चा है, जनरली उसको नॉलेज होता है कितने महाद्वीप है, कौन से महाद्वीप है और अपने किस पे रह रहे हैं। तो अपने किस पे रह रहे हैं, एशिया। इसका आंसर झट से आ जाएगा, एशिया। एशिया महाद्वीप के क्या करना है, बच्चों के पूर्व ज्ञान संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या करना है, प्रश्न जो बच्चों से आंसर आया है उसका यूज करना है, यानी कि एशिया महाद्वीप के किस देश में रहते हैं। ये जरूरी नहीं है एज इट इज क्वेश्चन यही बनाया जाए, आप यहां पे ले सकते हो किस प्लेनेट पे रहते हैं, पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी के कौन से देश पे रहते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा, भारत। कौन से देश में रहते हैं, अपने भारत देश में। अब प्रश्न नंबर 3, भारत के कौन से राज्य में हम निवास करते हैं, या भारत के अपने कौन से राज्य के अंदर रहते हैं। तो भारत के अपने कौन से राज्य के अंदर रहते हैं, अपने रहते हैं राजस्थान के। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन बनाने हैं, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन। अब अपने धीरे धीरे टॉपिक की तरफ आना शुरू करते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है, ये आपको डायरी के अंदर लिखना होता है, आप डायरी के अंदर लिखिए और घटक लिखिए, बच्चों पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया, पूर्व प्रश्न के दिए हुए उत्तर का प्रयोग किया,
आकृति कैसी है? पतंगाकार है, प्रश्न सरल है, सुभाषित है, बच्चों को आराम से समझ आ रहे हैं। कोई पतंगाकार कहेगा कोई विषम कोणीय चतुर्भुज कह देगा, विषम कोणीय चतुर्भुज कह देगा तो पूछ लेंगे विषम कोणीय चतुर्भुज किस किसकी आकृति है या किसका प्रकार है। पतंगाकार कह दिया तो क्या कहेंगे, पतंगाकार गणित में किस आकृति के समान होती है, किस आकृति के समान है। तो जो पतंग होती है, पतंगाकार लिख दीजिए, पतंग लिख दीजिए, पतंग गणित के अंदर कैसी आकृति है, तो पतंग कैसी है जी, चतुर्भुज है। एट क्लास के बच्चे को इसका नॉलेज होता है, चतुर्भुज है। छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के बारे में विस्तार से बताइए, चतुर्भुज के बारे में विस्तार से बताइए। आपको डायरी के अंदर क्या लिखना है, ये हो गया समस्यात्मक, यानी कि ये बच्चों को नहीं आ रहा। आप समस्यात्मक लिख के अब वहां पे पूछेंगे तो बच्चे नहीं बताएंगे, आप उसे समस्यात्मक देते हुए यहाँ पे आप क्या करोगे, आप टॉपिक का नाम लिख दोगे। जब आपने जैसे ही टॉपिक का नाम लिखा, आप टॉपिक को अंडरलाइन करना मत भूलना, ये टॉपिक आपने अंडरलाइन कर दिया और आपका प्रस्तावना कौशल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर कोई बच्चा इसके बारे में आंसर आपको दे देता है तो आप कहोगे कि हाँ आज हम इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे, और आप टॉपिक का नाम लिख के आप अंडरलाइन कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।